हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। देखिए, जब भी आपको डॉस में बनी हुई बहुत सारी फाइल्स देखनी हो जो किसी एक डायरेक्टरी में बनी हो, तो उसको कैसे देख सकते हैं आप अगर आपने सीएलएस प्रेस कर दिया हो? तो चलिए ये इसी को समझेंगे। ये डॉस का कमांड प्रॉम्प्ट ओपन है हमारे पास। यहाँ पर डायरेक्टरी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एमडी प्रेस करते हैं, एमडी लिखते हैं, और यहाँ पर जिस भी नाम से आप डायरेक्टरी बनाना चाहें उस नाम से बना सकते हैं। लाइक मैंने हितेश कर दिया, एक डायरेक्टरी हितेश नाम से बन जाएगी। अब इसके अंदर जाना है तो आप सीडी करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं HITESH, यानी हितेश लिख दिया, एंटर किया, तो यहाँ पर आपको हितेश नाम नजर आ जाएगा, यानी जो भी डायरेक्टरी या फोल्डर आप बनाएंगे वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। बनाने का कमांड एमडी है और उसमें जाने का कमांड सीडी है। सीडी यानी चेंज डायरेक्टरी या करंट डायरेक्टरी, और एमडी यानी मेन डायरेक्टरी। तो अभी हमारा एक फोल्डर या डायरेक्टरी बन चुका है, ठीक है। अब इसके अंदर हम फाइल बनाते हैं। फाइल बनाने का जो कमांड होता है वो होता है कॉपी कॉल। तो ये लिखा मैंने कॉपी और फिर कॉल, जैसे मैं लिख रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही आपको भी लिखना है। अब यहाँ पर कुछ नाम टाइप करता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं टाइप कर देता हूँ RITESH। अब ये किस तरह की फाइल है ये आप दे सकते हैं, विथ एक्सटेंशन दे सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं .doc लिखता हूँ, .doc, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो है एमएस वर्ड की फाइल है। एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पर कुछ टाइप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हेलो वर्ड टाइप कर देता हूँ, केवल हेलो टाइप कर देता हूँ, और यहाँ पर आपको सेव करने के लिए कोई दूसरा तो मिलता नहीं है, तो कंट्रोल जेड करिए और एंटर कर दीजिए, ये हो जाता है सेव। समझ में आ रही है बात? अब फिर दूसरी फाइल बनानी है, फिर यहाँ पे कॉपी कॉन करिए। ध्यान दीजिएगा ये रितेश के अंदर ही बन रही है फाइल। कॉपी कॉन किया हमने, कॉपी कॉन करने के बाद यहाँ पे एक और नाम लिख देता हूँ, युवराज, ठीक है। इसका है तो यहाँ पर भी कुछ टाइप कर देते हैं, ऐसे ही मैं टाइप कर देता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ, एंटर करता हूँ, ताकि ये फाइल कॉपी हो जाए, ठीक है। दो फाइलें बन गई, तीसरी फाइल बना लेते हैं। ये फाइल सारी हितेश के अंदर ही बन रही है, ये ध्यान दीजिएगा कॉपी कॉन। ये कॉपी कॉन लिखा हमने, और यहाँ पे लिख देता हूँ लोकेश, तो ये लोकेश नाम से बन जाएगी। और यहाँ पे अगर मैं .xls रखता हूँ तो इसका मतलब है कि ये एक्सेल की फाइल है। तो ये एंटर किया, और यहाँ पर भी कुछ मैंने टाइप कर दिया, कुछ एंटर कर दिया, कंट्रोल जेड करके एंटर किया, तो ये देखेंगे कि ये तीनों फाइल्स बन चुकी हैं। अब अगर आप CLS यानी क्लियर स्क्रीन वाला कमांड प्रेस कर देते हैं, तो यहाँ पर आपको हितेश तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि इसमें कौन कौन सी फाइलें बनी हैं। तो आप मेन डायरेक्टरी जो जहाँ आपने बनाया है वहीं पर रहिए, और यहाँ पे DIR चला दीजिए, ठीक है। जैसे ही DIR चलाते हैं तो जो भी फाइल्स आपने बनाई हैं यहाँ पर देख सकते हैं, वो सारी फाइल्स आपको डिस्प्ले हो जाएगी, ओके।